हेलो दोस्तों, अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि बहुत लोगों ने उस आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, आईपीओ के लिए दोस्तों अप्लाई किया था और बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में भी अभी होगा और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। वो कौन सा स्टॉक है दोस्तों? वो है एसबीआई कार्ड। हाँ दोस्तों, वो स्टॉक है एसबीआई कार्ड। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एसबीआई कार्ड में बहुत लोगों ने पैसा लगाया था और ये सोच के ख़रीदा था कि कम से कम तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों 900 से ऊपर ये स्टॉक ओपन होगा या 1000 रुपीज़ से ऊपर ये स्टॉक जो है ओपन होगा जब आईपीओ आएगा तो। लेकिन लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन क्या हमें इस प्राइस पर ख़रीदना चाहिए एसबीआई कार्ड को, या जिन्हें ख़रीदा है उनको होल्ड करना चाहिए? दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और जो मैं आपको बताऊँगा 100% क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। कितना परसेंट? 100%। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो एसबीआई कार्ड आईपीओ है दोस्तों, यहां पर लोगों ने सोचा था कि कम से कम ये स्टॉक 800 या 900 के आसपास, ठीक है, कम से कम तो 900 के आसपास ये स्टॉक ओपन होगा और 1000 रुपीज़ को तो ये ज़रूर क्रॉस करेगा ही करेगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, ये स्टॉक दोस्तों 700 रुपीज़ के आसपास ओपन हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो 52 वीक हाई दोस्तों 700 के आसपास ओपन हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक ने जो लोएस्ट लगाया यहाँ पर देख सकते हो 575 का 52 वीक लो। यहां पर देख सकते हो स्टॉक काफी ज्यादा हाई में, थोड़ा बहुत हाई में ओपन हुआ था, उसके बाद धड़ाक से गिरा दोस्तों। इतना ज्यादा स्टॉक गिर चुका था जो आधे से ज्यादा लोग अपना स्टॉक बेच दिए और पोर्टफोलियो खाली कर दिए। लेकिन क्या ये स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल दोस्तों बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। और एक चीज़, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस गिरने वाला था एसबीआई कार्ड का, जब आईपीओ आने वाला था, तभी मैंने बता दिया था कि भाई लिस्टिंग पे तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिखा भी है, एक मिनट अच्छे से देख लीजिए, एसबीआई कार्ड आईपीओ, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिस्टिंग पर होगा भारी नुकसान। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया था लिस्टिंग पर होगा भारी नुकसान, साफ साफ बताया गया था। और ये भी बताया था अगर आपने अप्लाई किया है तो आप गए काम से। यहाँ पर देख लीजिए छोटे 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 अक्षरों में मैंने लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपको वीडियो को भी दिखा देता हूँ बड़ा करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर देख लो, मैंने साफ साफ लिखा है एसबीआई कार्ड लिस्टिंग पे होगा भारी नुकसान, अगर आपने अप्लाई किया है तो गए काम से, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड वाले बटन को क्लिक कर दो जल्दी से। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, आपके मन के ऊपर है भाई। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ये भी वीडियो अपलोड मारा था, बताया था एसबीआई कार्ड करेगा माला माल। ठीक है, ये भी, और सेम थंबनेल मैंने अभी भी बताया है दोस्तों कि इतना पैसा कमाओगे 7 जन्म में भी नहीं आएगा, सेम थंबनेल मैंने बनाया है। जो यहाँ पर मैंने लिखा है, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर भी यही लिखा हुआ है। तो ये वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने कब बोला था खरीदने के लिए। तो ये वीडियो मैं आपको प्रूफ के तौर पे, यहाँ एक मिनट में आपको सबसे पहले तो डेट दिखा देता हूँ भाई, ये वीडियो को मैंने पब्लिश कब किया था, यहाँ पर लीजिए, ये वीडियो को मैंने पब्लिश किया था 16 मार्च को, और वो वीडियो मैंने काफ़ी पहले पब्लिश किया था, उसका भी मैं डेट आपको दिखा सकता हूँ या आप जाके सर्च मार के भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो में साफ साफ बोला था कि आपको कब और किस टाइम खरीदना है। वीडियो प्ले करके प्रूफ दिखा देता हूँ, नया अपॉर्चुनिटी आएगा। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे ही गिरते रहा, निफ्टी ऐसे ही गिरते रहा, देख रहे हो किस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरा है, निफ्टी के आसपास भी, ठीक है, तो दोस्तों देख लो मार्केट बहुत ज्यादा 2000-3000 पॉइंट के आसपास गिर जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये हफ्ते में ऐसा ही मार्केट गिरता रहा तो दोस्तों ये 500 के लेवल में भी आ जाएगा। ठीक है, और 500 के लेवल में अगर ये मिलता है तो मैं बोलता हूँ भाई आपको खरीदना है। ठीक है, आप उस टाइम खरीद सकते हो, ये अच्छे से अच्छे डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल जाएगा। डिस्काउंटेड वैल्यू पे तो मिल रहा है, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो और भी डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, तो 500 to 600 के बीच में आप खरीदने का कोशिश करो, 500 to 600 का स्टॉक बीच में। ठीक है, एसबीआई कार्ड को आपको 500 to 600 के बीच में खरीदना है। अगर आप उसके बीच में खरीदते हो, ठीक है, और नुकसान भी होता है तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न होगा भाई, बहुत अच्छा रिटर्न होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा रिटर्न होगा। ठीक, तो आपने देखा दोस्तों, मैंने कंटिन्यू 3 टाइम आपको बोला कि
600 के बीच में आपको ये स्टॉक खरीदना है। कौन सा स्टॉक आपको 5 to 600 के बीच में खरीदना है? SBI कार्ड, ठीक है। मैंने बोला दोस्तों कब 5 to 600, और मैंने 3 बार कंटिन्यू रिपीट किया और ये भी बोला कि भाई आपको प्रॉफिट मिलेगा, टेंशन मत लो। मैं आपको एक बार और वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ अच्छे से। खरीदने का कोशिश करो 5 to 600 का स्टॉक बीच में, ठीक है। SBI कार्ड को आपको 5 to 600 के बीच में खरीदना है। अगर आप उसके बीच में खरीदते हो, ठीक है, और नुकसान भी होता है तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न होगा भाई, बहुत अच्छा रिटर्न होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा रिटर्न होगा, ठीक है, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो अपॉर्चुनिटी, और ये देखिए मैंने आपके सामने चार्ट ओपन कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो SBI कार्ड का मैंने चार्ट ओपन कर दिया, और मैंने यहाँ पर मैंने वीडियो कब अपलोड मारा था 16 मार्च को। देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी, मैं आपको चार्ट में भी डेट दिखा दे रहा हूँ, वीडियो में तो मैंने ऑलरेडी आपको डेट दिखा दिया। और वो स्टॉक का प्राइस कितना था दोस्तों, देख सकते हो 685, अराउंड हम बोल सकते हैं कि 700 में केवल 15 रुपीज़ की कमी थी, ठीक है, 700 के आसपास। और जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक ओपन हुआ था, यहाँ पर अच्छा खासा हाई देखने को मिला था, फिर जैसे ही थोड़ा लो आया, थोड़ा सा ही, देखिए यहाँ पर दूसरा कलर चेंज करके आपको सही से बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा लो आया, मैंने बोला वीडियो बना के कि भाई देखो स्टॉक जब IPO नहीं आया था, IPO आने से पहले बहुत लोग बोल रहे थे ये करो वो करो इतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना प्रॉफिट मैंने आपको बताया भाई कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और जब ये स्टॉक आपको प्रॉफिट देने वाला था, मैंने आपको वो लेवल भी बताया। मैंने जब वीडियो बनाया था कितना 685 रुपीज़ प्राइस था उसका, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक में फिर अप डाउन, मैंने क्या बोला था 500 to 600 के लेवल में खरीदारी करना। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 500 और 600 के बीच में, मैंने बोला था 3 बार 500 to 600 के बीच में, अभी भी बोल रहा हूँ 500 to 600 के बीच में। और जिन्होंने ख़रीदा होगा भाई 500 to 600 के बीच में, आज के डेट में अगर स्टॉक का प्राइस देखे तो भाई स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो बाउंस बैक लेने के लिए रेडी है। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट और ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, निफ्टी में और थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी, ये स्टॉक आपको और भी अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहाँ पर आपको परफेक्ट तरीके से आपको नॉलेज दिया जाता है और सही चीज आपको बताया जाता है। देखिए जो है डेटा, वही डेटा को देख के बताया जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी खोला और आपको कुछ भी इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आज देख लीजिए, अगर मेरे हिसाब से आपने अगर ख़रीदा होता तो स्टॉक आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देता। और फिर से दोस्तों जब मैंने बताया तो 700 के आसपास ये स्टॉक जो है टच करने का कोशिश भी किया, ठीक है। तो ये था दोस्तों, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया था और उनको भाई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है SBI कार्ड में, तो मैं बोलूँगा आपको होल्ड करना, पेशेंस रखिए, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको प्रॉफिट होगा, देखिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको प्रॉफिट होगा भाई। जिन्होंने ख़रीदा है और वो लॉस में है तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल बिल्कुल रुकना है, बेचिएगा मत, पैनिक हो जाइएगा। जब स्टॉक नीचे आएगा आप सेल कर दीजिएगा, धड़ाक से जैसे आएगा फिर वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने लॉस में स्टॉक को सेल कर दिया और आज के डेट में प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता नहीं है व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल, व्हाई टू बाय व्हाई टू सेल, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, वेयर टू बाय, व्हाई टू बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बहुत सारे ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा और बहुत सारे नॉलेज और हमारे यहाँ जो सर्विस दी जाती है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो भाई आपको होल्ड करना, जिन्होंने नहीं खरीदा वो उनको कहाँ खरीदना है 500 से 600 के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में और खरीद सकते हैं। अगर कुछ लोग बोलेंगे भाई एग्जैक्ट प्राइस बताओ, तो आपको क्या करना है, जैसे बिलो ये दोस्तों 600 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आपको अपना कैपिटल का 20% लगा देना है, ठीक है, डाल देना। जैसे 600 के नीचे जाएगा दोस्तों, ठीक है, 580 590 में जाएगा, तो आपको क्या करना है 20% आपको लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों फिर जब और नीचे जाता तो आप क्या कीजिए दोस्तों, दूसरे टाइम आप 10%, फिर तीसरे टाइम 10%, ऐसे 10% करके लगाइए। मैं बोल रहा हूँ 1 रुपया, 1 रुपीज़ जिसको बोलते हैं ना, 1 रुपीज़, ठीक है, जिसमें 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, वो आपको 1 रुपया भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, कॉन्शियस रहिए।
और जिनको ट्रायल डेमो सैंपल, बहुत लोग ये ऐसे भी होते हैं जो दोस्तों सर्विस लेने से पहले बोलते हैं कि भाई मुझे ट्रायल चाहिए, डेमो चाहिए, सैंपल चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए आप हमारे सारे यूट्यूब चैनल के वीडियो देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब चलना आपके ऊपर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था इन्फोसिस, ठीक है, चला गया हाथ से, जाने दीजिए। इन्फोसिस दोस्तों जब 650 के आसपास गिरा था फर्स्ट टाइम, जब लास्ट टाइम हल्ला हुआ था ना कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों 650 तक चला गया था। मैंने दोस्तों 650 के प्राइस में बोला था कि भाई खरीद लो, और दोस्तों जिन्होंने खरीदा था 650 के प्राइस में वो स्टॉक चला गया था दोस्तों 700 के ऊपर चला गया था, 780 के आसपास किया था, इतना बड़ा प्रॉफिट। फिर दोस्तों इन्फोसिस आया 500 के रेंज में, मैंने बोला भाई मैं तो बोल रहा हूँ आँख, अपने आँख को बंद करना है बस और कुछ नहीं करना है। आँख को बंद करना मतलब कुछ भी आप कुछ भी फील होगा आपको वही खरीदना है भाई, वही खरीदना। और मैंने बोला था 500 के रेंज में आपको इन्फोसिस को खरीदना है आँख बंद करके। और फिर से देखिए दोस्तों इन्फोसिस बहुत तकड़ा उछाल मार, ये रहा भाई। एक मिनट वीडियो प्ले स्टार्ट हो गया क्या, तो दोस्तों वीडियो हटा देता हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों इन्फोसिस, मैंने बोला था ये देखिए इस मंदी में 500 का शेयर जिंदगी बदल सकता है। देखिए मैंने आपको रेट भी दिखाया 500 का शेयर, और आज के रेट में जाके देख लो भाई इन्फोसिस किस प्राइस में मिल रहा। तो देखिए आपको जो भी देखना है, डेमो, ट्रायल, सैंपल, जो भी आपको देखना है आप हमारे सारे वीडियोज़ में देख सकते हो, सारे वीडियोज़ में देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो पेड सर्विसेज के लिए। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन जिनको सर्विस चाहिए वो, ठीक है, ये जो नंबर है फर्स्ट में आपको जो नंबर दिख रहा है दोस्तों, ये फर्स्ट में जो नंबर दिख रहा है ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है। आप व्हाट्सअप पर जाके बोल सकते हो कि हाँ मुझे सर्विस चाहिए, तो उसके लिए आप वहाँ SMS कर सकते हो। और जिनको कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, नीचे वाले नंबर पर, ठीक है। और हाँ ज़्यादातर लोग अगर मिस कॉल कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर हम दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूं, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो मार्केट गिरा है ना, आप जितना 5 साल में पैसा नहीं कमा पाओगे ना, 5 साल में, वो आप यहां दोस्तों 6 मंथ में कमा लोगे। मेरे पास नहीं, मैं अपने पास नहीं बोल रहा हूं, मैं ये गिरे हुए मार्केट में बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जिस स्टॉक का प्राइस है, जिस स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, प्राइस है, वो आज के डेट में गिर के उसका प्राइस कहां तक आ चुका है दोस्तों, 40 रुपीज। तो बताइए अगर हम 40 रुपीज़ का स्टॉक खरीदते हैं, 40 रुपीज़ का स्टॉक खरीदते हैं, हो सकता है कि दोस्तों वो कल को मान लीजिए कि 60 रुपीज़ हो जाए, चलो ज़्यादा नहीं यार 70 रुपीज़ के आसपास हो जाए, या 65 रुपीज़ के आसपास होगा। सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा आपको, कितना बड़ा। यही दोस्तों अगर ये 100 रुपीज़ का शेयर में आप खरीदना चाहते हैं तो हो सकता था कि आपको 10 या 20% प्रॉफिट हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गिरते हुए मार्केट में आपको ऐसा ऐसा स्टॉक बताऊंगा दोस्तों, आप मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ, लिस्ट भी मैं देता हूँ, देख लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बस ये हाथ से मौका नहीं निकलना है, बस हम मौके के लिए तलाश करें, जैसे मौका मिलेगा हम अपना सर्विस स्टार्ट कर देंगे। हम अपने लोगों को भी रोक के रखे हैं, जैसे ही काम स्टार्ट होगा आप देख लीजिए कैसा कैसा वीडियो अपलोड होना स्टार्ट होता है। ये तो डेमो के लिए बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिए, और मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास रेगुलर आएगा।